आज हम बंगाली रसगुल्ले बनाने जा रहे हैं। हम स्पेशल टिप्स और ट्रिक्स के साथ बंगाली रसगुल्ले बनाएंगे, जिससे हमारे बंगाली रसगुल्ले बहुत ही फूले फूले और स्पॉन्जी बनेंगे। बंगाली रसगुल्ले बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं, हमने 1 लीटर काउ मिल्क लिया है। गाय का दूध हम इसलिए ले रहे हैं जिससे हमारा छेना बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, और गाय के दूध में लो फैट होता है, इससे छेना बहुत ही अच्छा बनता है। 1 लीटर दूध के लिए हमने 1 कप चीनी ली है और 1 चम्मच 1 टीस्पून कॉर्नस्टार्च लिया है, 4-5 छोटी इलायची और कुछ धागे केसर के लिए हैं। ध्यान रहे कि दूध, कभी भी हमें दूध गर्म करना हो तो दूध गर्म करने से पहले हम पतीले में 2 चम्मच पानी डाल लें। 2 चम्मच पानी डालने से दूध कभी भी पतीले में लगेगा नहीं और हमारा दूध भी नहीं जलेगा। सबसे पहले हम दूध गर्म करने रखेंगे और हम पतीले में 1 लीटर दूध डालेंगे। मैंने मदर डेयरी का लिया है, आप जिसका मर्जी ले सकते हैं। दूध हमने उबलने के लिए रख दिया है, अब हमें इसे चलाते रहना है जिससे कि इसके ऊपर मलाई ना आए। अब हमारे दूध में उबाला आ गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद भी हमें इसे चलाते रहना है जिससे कि इसके ऊपर मलाई ना आ जाए। अब 2 मिनट हमें इसे गैस से उतार के रख देना है, फिर हम इसमें नींबू का रस या फिर विनेगर डालकर इसे फाड़ेंगे। अब हम इसे गैस से उतार के रख लेंगे किसी स्टैंड पर। 2 मिनट इसे ठंडा होने देंगे। जब तक हमारा दूध ठंडा हो रहा है तब तक हम 1 कटोरी में 2 चम्मच विनेगर डालेंगे। मैंने व्हाइट विनेगर लिया है, आप चाहें तो 2 नींबू का रस भी ले सकते हैं। विनेगर या नींबू का रस हमने डाइल्यूट करके ही डालना है, ऐसे नहीं डालना है। 2 चम्मच विनेगर लिया है तो हम 2-3 चम्मच इसमें पानी डालेंगे। लगभग 2 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसमें विनेगर डालेंगे। हमने विनेगर थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ नहीं डालना है। अब हमारा दूध अच्छे से फट गया है, दूध में से पानी और पनीर बिल्कुल अलग अलग हो गए। हमें इसी तरह ही छेने को बनाना है। हमने एक छन्नी ली हुई है, नीचे एक बड़ा बर्तन रखा है और ऊपर हमने एक मसलिन क्लॉथ लिया हुआ है। अब हम अपने छेने को छान लेंगे। अब देखिए हमारा छेना अच्छे से छन गया है और ये देखिए कितना सॉफ्ट छेना बना है। अब हम इसे 2 बार अच्छे से 2-3 बार साफ पानी से धोएंगे। आप चाहें तो इसे नल के नीचे भी साफ पानी से धो सकते हैं या फिर किसी बर्तन में रख के धो लें। इस तरह धोने से पनीर का सारा खट्टापन निकल जाएगा। हमने जो विनेगर या नींबू का रस इसे फाड़ने के लिए डाला था उसकी सारी खटास 2-3 बार धोने से निकल जाएगी। हम इसे निचोड़ लेंगे। एक बार हम इसे फिर साफ पानी से धोएंगे। इस छेने के पानी को हमने फेंकना नहीं है, इसे हम किसी भी काम में ले सकते हैं। इससे हम आटा गूंद सकते हैं, कढ़ी बना सकते हैं या किसी भी तरी वाली सब्जी में हम इसे डाल सकते हैं। अब हम इसे 2 बार और साफ पानी से अच्छे से धोएंगे जिससे हमारे पनीर का खट्टापन सारा ही निकल जाएगा। हमने इसे 3 बार अच्छे से धो लिया है।
इसे हम अच्छे से निचोड़ेंगे। हमने इसे बहुत ज़्यादा भी नहीं निचोड़ना है, जिससे कि इसका मॉइस्चर सारा ही निकल जाए। अब इसको बांधकर किसी कील में या टूटी के नीचे लटका देंगे हम इसे, जिससे इसका पानी सारा ही निकल जाएगा। इसे हम आधे घंटे तक लटका के रखेंगे, जिससे ये ठंडा भी हो जाएगा और इसका सारा पानी भी निकल जाएगा। जब तक हमारा छेना निचुड़ रहा है, तब तक हम अपनी चाशनी की तैयारी कर लेते हैं। चाशनी के लिए मैंने 1 कटोरी चीनी ली है। आप किसी भी कटोरी के नाप से ले सकते हैं। 1 कटोरी चीनी ली है तो मैं इसमें 5 कटोरी पानी डालूंगी। अब हम गैस ऑन करेंगे और हम अपनी चाशनी को उबलने देंगे। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, हमें इसे उबाल आने तक पकाना है। जब तक हमारी चाशनी में उबाल आता है, तब तक हम अपने छेने की तैयारी कर लेते हैं। जब तक हमारी चाशनी तैयार हो रही है, तब तक हम अपने छेने को देख लेते हैं। देखिए, हमारा छेना बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। ये ना ही बहुत गीला है और ना ही बहुत ही सूखा है। जितना मॉइस्चर हमें चाहिए, ये बिल्कुल वैसा ही है और सॉफ्ट है बहुत। देखिए, हमारा छेना बहुत ही सॉफ्ट है। अब हम इस हथेली की मदद से इसे अच्छे से मिसेंगे। हमें इसे अच्छे से 5 मिनट तक मसलना है, जिससे हमारा छेना बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब ये बहुत ही दानेदार है। अब हम इसे हथेली की मदद से अच्छे से मसलेंगे। इसे हम जितना मसलेंगे, ये उतना ही सॉफ्ट हो जाएगा। अब हम इसे मसलते मसलते 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें कॉर्नस्टार्च डालेंगे। कॉर्नस्टार्च हम इसलिए डालते हैं कि रसगुल्लों की बाइंडिंग अच्छे से होए। कॉर्नस्टार्च डालकर इसको मसलने से ये बहुत ही मुलायम बनता है और हमारे रसगुल्लों में कोई क्रैक्स भी नहीं आते। देखिए, हमारा छेना कितना सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसकी गोलियां बना लेंगे। अब हम इसकी बराबर गोलियां काट लेंगे। मैंने इसे चाकू की मदद से 11 भागों में बांट लिया है। अब मैं इसकी लोइयां बनाऊंगी गोल गोल। आप इसे हाथ पे भी अच्छे से मसल के गोल गोल कर सकते हैं, जिससे ये बिल्कुल ही स्मूथ और सॉफ्ट बन जाएंगे। देखिए कितने स्मूथ और सॉफ्ट बने हैं, इस पे कोई क्रैक्स नहीं है। इस तरह मैं सभी लोइयों को गोल करके रख लेती हूँ। अब हम चाशनी को साफ करने के लिए इसमें 1 चम्मच दूध डालेंगे। इससे हमारी चाशनी में जो भी गंदगी होगी वो बाहर आ जाएगी निकल के। इस पे जो व्हाइट व्हाइट झाग आया है, इसे हम चम्मच की सहायता से निकाल देंगे।
हमारी चीनी में ज्यादा गंदगी नहीं थी, इसलिए ये इसमें मैल भी कम निकला है। और हमारी चाशनी अच्छे से साफ हो गई है, अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे और कुछ धागे केसर के डालेंगे। मैं केसर फ्लेवर की बना रही हूँ, यदि आप केसर ना डालना चाहें तो आपके लिए ऑप्शनल है, मुझे केसर पसंद है इसलिए मैं केसर डाल रही हूँ। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, बस उबाला आने तक ही पकाना है। जब इसमें उबाला आ जाएगा तो हम इसमें छेने की गोलियाँ डाल देंगे। और हमारी चाशनी में अच्छे से उबाल आ गया है और हमारी सभी गोलियाँ भी बन के तैयार हो गई हैं। देखिए हमारी गोलियाँ कितनी सॉफ्ट और मुलायम बनी है और इसने घी भी छोड़ दिया हैगा। अब हम इन्हें एक एक करके डालेंगे। हमने इन्हें इकट्ठा नहीं डालना है, यदि हम इकट्ठा डालेंगे तो चाशनी का उबाल कम हो जाएगा। एक लीटर दूध में मेरी 11 गोलियां बनी हैं। आप साइज छोटा या बड़ा अपने अनुसार कर सकते हैं। हमें जिस साइज के रसगुल्ले चाहिए उससे हमें थोड़ा छोटा साइज रखना है, क्योंकि ये उबलने के बाद बड़े हो जाते हैं। अब 5 मिनट तक हमें इसे ऐसे खुला ही पकाना है, उसके बाद हम लिड को ढक देंगे। अब हमारे रसगुल्लों को उबलते हुए 5 मिनट हो गए, अब हम लिड को ढक देंगे। लिड को ढकने से क्या होगा, जो चाशनी के बुलबुले हैं वो रसगुल्लों के ऊपर भी आ जाएंगे, जिससे हमारे रसगुल्ले ज़्यादा जल्दी फूलेंगे। अब हम इसे 5 मिनट तक ऐसे ही लिड को ढककर पकाएंगे, फिर 5 मिनट बाद खोल के देखेंगे। दस मिनट हो चुके हैं हमारे रसगुल्लों को पकते हुए और हम लिड को खोल के देखेंगे। देखिए हमारे रसगुल्ले कितने बड़े हो गए हैं। इन्हें हम पलट देंगे। देखिए हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे सॉफ्ट बने हैं, इसमें कोई क्रैक्स नहीं आए हैं। यदि आपको लगे कि आपकी चाशनी गाढ़ी हो गई है तो आप इसमें थोड़ा सा गर्म पानी, उबलता हुआ पानी इसमें साइड से करके डाल दें। मैं इसे 5 मिनट और पकाऊंगी। इसका प्रोसेस 15 मिनट तक पकने का होता है, तो हम इसे 15 मिनट पूरे पकाएंगे। तो हम एक बाउल ले लेंगे, इस बाउल में हम आइस क्यूब्स डालेंगे और इसमें हम एकदम चिल्ड पानी डालेंगे। अब हमारे रसगुल्लों को पकते हुए 15 से 18 मिनट हो चुके हैं, अब हम लिड को खोलेंगे। अब हमारे रसगुल्ले पक के तैयार हैं। अब हम इसे निकाल के ठंडे पानी में डाल देंगे बिल्कुल ही, जिससे हमारे रसगुल्ले का कुकिंग प्रोसेस रुक जाएगा, जिससे ये जिस शेप में होंगे उसी शेप में रहेंगे और बिल्कुल सिकुड़ेंगे नहीं। यदि हमारे रसगुल्ले बाउल में नीचे बैठ जाते हैं, इसका मतलब कि हमारे रसगुल्ले अच्छे से पक गए हैं। देखिए हमारे रसगुल्ले नीचे बैठ गए हैं। देखिए हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे सॉफ्ट और नरम बन के तैयार है, बहुत ही स्पॉन्जी हैं। देखिए किस तरह इन्होंने पानी को पी लिया है। अब मैंने सारा पानी निकाल दिया है, अब मैं इसमें डालूंगी, ये वापस उतने ही फूल जाएंगे।
और हम सभी रसगुल्लों को निचोड़ के एक दूसरे बाउल में डाल देंगे। हम सारे रसगुल्लों पे चाशनी डाल देंगे। चाशनी डालकर हम इसे 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब ये हमारे रसगुल्ले फिर से चाशनी को चूस लेंगे। हमारे रसगुल्ले बनके तैयार हैं। हमने सभी रसगुल्लों को वापस चाशनी में डुबो दिया है और ये वापस फूल के बड़े हो गए हैं। देखिए, इन्होंने वापस चाशनी को चूस लिया है। अब हम इन्हें 3-4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब हमारे रसगुल्लों को फ्रिज में रखे हुए 3-4 घंटे हो गए हैं। अब मैंने इन्हें फ्रिज से बाहर निकाल लिया है। देखिए, हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे फूले फूले बने हैं। मैं आपको हाथ से तोड़ के दिखाऊंगी ये कितने स्पॉन्जी बने हैं। देखिए, इसमें कितनी अच्छी जाली पड़ गई है। देखिए, हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे सॉफ्ट और नरम बन के तैयार हैं।